औरत जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है और एक छोटी बच्ची के साथ शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय हर टू टेक रिवेंज उसके फादर के ऊपर, और एक तांत्रिक के हेल्प से वो उसको मार देते हैं। और फुक्ट में मलिंद जो डायरेक्टर है उसने एक आइडिया लेकर है मेरे पास, अगर वो जो मर गई औरत वो भूत बन के फिर वापस आ गई तो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स फॉर द फैमिली उतना ज़्यादा हो जाएंगे, यू नो। सो वो आइडिया की जो एक्सटेंशन है और वो एक्चुअल फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम फूक इट इज़ प्रोग्रेसिंग इनटू अनदर मैटर, दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द आइडिया। इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने कोई नहीं आता, भूत होते हैं। ओवरऑल एक हमने क्लाइन डाली, इवन क्यूट कैन बी डेंजरस, यू नो। अगर कोई भी एक भयानक उसकी फेस है, भयानक एक विजुअल है तो दैट इज़ ऑब्वियस, लेकिन हम जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि क्यूट लुकिंग डॉल या समथिंग विच यू कैनॉट इमेजिन एनी काइंड ऑफ ए डेंजर फ्रॉम इट, उसके तरफ से अगर हमको डेंजर आ गया तो डर और बढ़ जाता है। सो दैट इज़ अ पॉइंट। सी म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि म्यूजिक एक एलिमेंट है कि हॉरर फिल्म वर्क्स लॉट ऑन मैनिपुलेटिंग द ऑडियंस कॉन्स्टेंटली। वे करते हैं कि आपको जो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सोचना क्या होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेडली समथिंग कमिंग अप, और उसकी वो अचीव करने के लिए बैकग्राउंड स्कोर एंड साउंड इफेक्ट्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल। हॉरर फिल्म एक्चुअली थिंकर वॉच फॉर फन, मैं नहीं समझता कि कोई भी हॉरर फिल्म इट्स लाइक ए जेंट व्हील, यू नो। जेंट व्हील आप चढ़ते हैं कि आपको पता है कि अगर नीचे आ रहा है तो आपको डर लगेगा। सो द लाफ्टर कम्स लाइक ए रिलीज। कोई भी हॉरर फिल्म देखे, पिक्चर स्टार्ट होती है जो कोई विजिल करेगा, कोई आवाज़ करेगा, सो आई थिंक देर इन द मूड टू हैव फन एंड दे कीप चैलेंजिंग द फिल्म कॉन्टिन्यूसली वेदर इट विल स्केयर देम ऑर नॉट। बेसिकली लास्ट टाइम का एक कम्युनिकेशन गैप हुआ कि एक ही आदमी को हम चुनेंगे जो अकेला बैठ के देखेगा, सो दैट इज समवेयर वॉज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड बाय द मीडिया, उसके लिए वो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ। लेकिन आपकी कॉन्टेस्ट में है कि अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन अगर आदमी बोलता है कि मेरे को डर नहीं लगा, लेकिन हम ECG मशीन फिक्स करने से उसका अगर हार्ट बीट बढ़ गया तो आदमी झूठ बोलेगा लेकिन मशीन झूठ नहीं बोलेगा, वो सोच के ये कॉन्टेस्ट लगाएंगे। सी मुझे बचपन से डराने की बहुत शौक थी, तो मैं एक दीवार के पीछे खड़े होके बू बोलता था। अभी फिल्म बना रहा हूँ, बट द बेसिक पॉइंट इज ओनली बचपना, मुझे सिर्फ भगवान से डर लगता है।